सो हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उमरा हेयर्स में। तो गाइस, जैसे कि हम आप थंबनेल देखते तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हेयर साइंस पार्ट टू के बारे में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि गाइस के हेयर साइंस क्या है, हेयर में कितनी लेयर्स होती हैं। जैसे कि आपको बताया था, मैंने एक बार दोबारा बताया था जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी पहले वाली। ये हमारा हेयर है गाइस। और जैसे इसमें तीन लेयर्स होती है, क्यूटिकल्स, कोटेक्स और मेडुला। अब आज हम जानेंगे कि क्यूटिकल्स में क्या वर्क होगा, कोटेक्स में क्या वर्क होगा और मेडुला में क्या वर्क होगा। इन तीनों के वर्क के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस अपना टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्यूटिकल्स के बारे में। क्यूटिकल्स क्यूटिकल्स एक हमारे हेयर की सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि अपने बाल, ये एक खांचे की तरह होती है जो को बालों को कवर करती है। ये इसका शेप कुछ ऐसा है, और जब इसके अंदर मॉइस्चर ऐड होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो जाते हैं। शैम्पू के टाइम पे ये खुल जाते हैं, और जब हम कंडीशनिंग करते हैं तो ये लॉक हो जाते हैं। ये हमारे हेयर्स के अंदर जो हमारी कोटेक्स लेयर है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है, कोटेक्स को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे बालों की सबसे ऊपरी शाइन जो होती है वो क्यूटिकल्स के ऊपर ही दिखाई देती है गाइस। जो भी हम करते हैं, हम शैम्पू, सीरम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, क्यूटिकल्स के, ये क्यूटिकल्स को बंद कर देता है। जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं अपने बालों में, ये क्यूटिकल्स को क्लोज कर देता है और बालों के ऊपर शाइन दिखाता है। आपको सिर्फ सीधा सीधा बताया जाएगा गाइस, आपको ज़्यादा घुमाने की फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है कि इसमें ये हो रहा है और दूसरे बाल में ये हो रहा है। ज़्यादा आपको इतना घुमाने की और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूटिकल्स एक मॉइस्चर ऐड होने पे क्लोज हो जाते हैं, और जब भी हम शैम्पू वगैरह करते हैं क्यूटिकल्स खुल जाते हैं। हम कोई भी केमिकल करने से पहले क्यूटिकल्स क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि अच्छे से कोटेक्स लेयर में वर्क हो सके। और आते हैं हम कोटेक्स पे, जो कि हमारे बाल। अब गाइस इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ज़्यादा हमें नहीं घूमना, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना। सिर्फ सीधा सीधा मैं आपको समझाऊंगा, दो लाइन में आपको समझना है। इसके बिना वीडियो को स्किप करें, और जो भी मेरे चैनल पर गाइस नए हैं वो चैनल को फॉलो कर लें, और चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी वीडियो के लिए सिंपल सिंपल ट्रिक के लिए जो भी आपके मन में डाउट हो वो सब हम क्लियर ज़रूर करेंगे गाइस। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो पूरी देखना, और अच्छी लगे तो गाइस कमेंट करना, शेयर करना। तो आइए बात करते हैं कोटेक्स के बारे में। कोटेक्स क्या है? कोटेक्स सिर्फ और सिर्फ जो क्यूटिकल्स के अंदर जो लेयर है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कैरेटिन एडवांस भी आ चुकी है, जो कि कोटेक्स में वर्क भी करती हैं। कैरेटिन करते हैं, कलर करते हैं, और स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करते हैं, स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करते हैं, फाइबर बोटॉक्स करते हैं, XYZ जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं बालों में वो कोटेक्स के ऊपर करते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ ये याद रखना है, कोटेक्स लेयर पे ही हमारा सारा वर्क होता है। अब आते हैं मेडुला के ऊपर। मेडुला, यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस? अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मेडुला, मेडुला सिर्फ हमारे बाल की थर्ड लेयर है। मेडुला ये एक बालों के सबसे थर्ड लेयर है, जो कि बालों के, ये इस पर कोई वर्क नहीं होता गाइस, ये सिर्फ बालों की एक डेंसिटी ही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मेडुला बालों की सबसे कोर, जो जड़ होती है ना, जड़ के साथ जो एक नीम निकलती है, ये कोर, ये उसकी अंदर की सबसे हैवीनेस, ये हैवी बालों में ही मिलेगी गाइस आपको, और अदर बाल में मिलेगी भी नहीं। तो इसमें अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कोई वर्क होगा, ये एक बालों की डेंसिटी ही दर्शाता है सिर्फ। इसमें कोई वर्क नहीं हुआ अभी तक, और क्या पता आगे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए, कोई केमिकल या कलर कोई ऐसा आ जाए जो मेडुला बना दे अंदर से बालों के अंदर, और बालों को और ज़्यादा हेल्थी करे। ये स्टैंड अलोन वगैरह ये सब तो करते हैं गाइस, ये स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ पे ही वर्क करते हैं। मेडुला हमारे बालों में सिर्फ एक हैवीनेस, ये बालों का कोर है। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, और कोशिश करेंगे आगे को और भी अच्छे तरीके से आपको समझाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू गाइस।